गरीबों के लिए ही बनाया था, समझ गए, गरीबों के लिए ही हमारे गुरु ने सिखी को बनाया था। और गुरु जी अपनी वाणी में भी कहते हैं, इन गरीब सिखों को जो बात चाहिए याद करें अपनी बुराई। तो हम इस देश को लेकर यहाँ पर आए, सबसे पहले हम हर इंसान इंसान आफत का समय, मुसीबत का समय किसी के ऊपर आ सकता है, जो वक्त किसी से पूछ के नहीं आता, जब आता तो आ जाता है, अमीरों के ऊपर आ जाता है, गरीबों के ऊपर आ जाता है। तो हमारे को यहाँ के बारे में पता लगा कि उड़ीसा में यह हो गया तो हमारी हाथों में चला गया। हालांकि हमारा अमर संचार का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ था, यू नो कि हम कभी भी अपना कभी प्रोग्राम कैसे दिखाते। तो जब हमारे को ये बैड न्यूज मिली यहाँ के लोगों के बारे में, इतना पानी आ गया, तेज तूफान आया, लोग घर बेघर हो गए, तो आफ्टर दैट हमारे सिरहा नहीं गए, हमने सारे प्रोग्राम चेंज कर दिए। हमने लोगों को बताया कि हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी का एक महीना हम लोगों के की सेवा में लगा दें, जिनका कोई ठिकाना नहीं रहा, घर नहीं रहा। और हमारा कोई उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी सरकार के भेजे आए हैं, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है, सरकार ने हमारे को बहुत सहयोग दिया है जी, हमारे को जैसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी वो दी है, गाड़ियां दी है हमारे को, यहां तक वो सवाल था राशन का, वो तो संगत की सेवा से इतना इकट्ठा हो गया कि हम उसके बारे में बता नहीं सकते। अभी हमारे वहां पर बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, लेस देन लेस वो 10 लाख सूट है, जिसमें साड़ियां भी हैं और जनाना मर्दाना सूट दोनों भी हैं, दोनों ही हैं, औरतों के लिए आदमियों के लिए, और उसके साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, 1 लाख कंबल है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख दरी है। हमारे बस की बात होगा, हम गरीबों को मकान भी बनाते, पर हम कोई सीएम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो हम जो यहाँ जिस उद्देश्य को लेके आए हैं, ये हमारा निरोल बिना किसी पक्षपात के, किसी जाति धर्म के, सिर्फ इसी उद्देश्य को लेके आए कि ये हमारे देश का हमारे भाई है, हाँ जी, आज इनके ऊपर आई है, कल पता नहीं किसके ऊपर आ जाए। तो इस मोटिव को, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर, तो अब हम कल को जा रहे हैं, देखेंगे। और हम कई बार संगत में कहते हैं जिश्य जी कि हम गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में भगवान की कृपा से आगे बढ़े, गरीबी में पढ़े और गरीबी में आगे बढ़े, और हमारी कोशिश भी ये है कि हम गरीबों की सेवा करते मर जाएं, और हमारी मौत भी गरीबों में हो, मरने के बाद भी हमारी तो यही इच्छा होती है कि हमारी हमारे शरीर को किसी अमीर का आसन लगे, बल्कि किसी गरीब का आसन लगे। इसी उद्देश्य को लेके हम यहाँ उड़ीसा में भी इन गरीबों की सेवा के लिए हम आए, तो इन विचारों को तो इशारे की जरूरत है। परसों देख रहे हैं, परसों आई थिंक कल का दिन होगी, थोड़े परसों होगी कल लोग और तो 3 डब्बे, 2 डब्बे बाहर गिरे थे, 2 ऊपर। ये हम 4 ने चला सर, बात ना क्या है पक्का, कोई हम अपने लिए नहीं आए, हम आपके लिए नहीं आए, हम उनके लोगों के लिए, वो क्या चाहते हैं, हाँ जी क्या ख्याल है, अरे वो कच्चा चाहते हैं या पक्का चाहते हैं, जो लोगों ने नहीं दिया वो हमने ज्यादा दिया, जिनको हमने 1200 घी का बांटा, देसी घी जो शायद किसी ने नहीं बांटा, देसी घी बांटा जी 1200 और 1200 बैग दूध का, 12 बैग दूध का, और हमने टी बांटी, नमक बांटा हमने, मिर्च बांटी, चाय पत्ती, कल हमने कितने 10 क्विंटल टी बांटी, 10 क्विंटल, और हल्दी कितनी बांटी, हल्दी 8 क्विंटल, 8 क्विंटल कल हमने 7 क्विंटल मिर्च नमक, ऐसी चीजें मतलब जो 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 जिसने किसी ने तो चाहिए, डिवाइड एवरीथिंग टू द पब्लिक, कुछ नहीं लेके जाना, हमारा मिशन सर हमने यहाँ पर अपने सिर्फ बर्तन लेके जाना है, मनी हमारा मनी इज नॉट ऑफ रहे अब एम है जो वो ओनली है कि जो पब्लिक की सेवा, हाँ जी हम इन लोगों के दर्द को हम अपना दर्द समझ रहे हैं, इनके तो दिल में दर्द होगा मगर इंसानियत के हमारे माथे में दर्द, सीने में दर्द, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन, हमारी बच्चे हैं, हमारे क्या हमारी माएं हैं, हमारी माता है जी, हमारी बहन है, अगर हमारी बहन के ऊपर गुजरे तो हमारे तो गुरु का उद्देश्य यही है, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात,
अरे तो गुरु साहब को देखो ऐसी यही है, पराई बेटी को बेटी समझना, पराई स्त्री को अपनी माता के तुल समझना। तो हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करने आए। आई हैव नो नीड ऑफ, उस जिसने यहाँ पर माल आया बार बार सब आप बताइए, बार बार सीएम पंजाब का फोन आता रहा कि जब वो गाड़ियां वहां से भेजनी है, वो अब दीजिए वाजपेयी वाजपेयी। मैं अपने प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहता। आई हैव नो नीड, जब वहां से चलने लगा जिन लोगों ने क्या किया, वो बुके वगैरह ले लिए, हाथ में फूलों की माला वगैरह ले ली। मैं कहा देखो मेरे किसी के घर में मर जाए वहां उसको फूलों की माला डालता है। मैं कहा आई हैव नो नीड ऑफ एनी रिस्पेक्ट, मेरे को आगे से मिलना है तो बड़ा सीरियस मूड में मिलना है। अभी भी गाड़ी भरी पड़ी है फूलों, अभी भी गाड़ी भरी पड़ी है। बड़े बड़े सीरियस मूड है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, यही सर्वे बनना कितना है, एक मैं एक मिनट मिलवाऊंगा, प्लीज सर्वे कर लो कि वो बनना किस तरह राशन। वो कभी कोई नहीं कहेगा गवर्नमेंट थ्रू बन रो राशन, गवर्नमेंट थ्रू कभी कभी इन्होंने नहीं मिलेगा। सर्वे कर लो, 100 पिंड आना, 100 बंदे बुला लो, वो यही कहेगा बाबा जी आप अपने हाथ से बांट के जाओ तो हम लेंगे, गवर्नमेंट का थ्रू हम नहीं लेंगे। और इन्होंने पहुंचना भी नहीं है, नहीं जिन मर्जी को सर्वे कर लो। सर मेरी गल सुनो, मैनकाइंड मानवता का कुछ कुछ सवाल है, असि थोड़े नाल खड़े, साडी अरदास थोड़े नाल, मारी प्रेयर आपके साथ है। हाँ जी, हमारा सहयोग आपके साथ है, आपका दुख हमारा दुख है, आपको एक गुना दुख है तो हमारे को 1000 गुना दुख है। हम तो रोज सत्संग में यही कहते हैं कि वक्त का कोई पता नहीं कि कब बदल जाए, कब बदल जाए, कोई पता नहीं किसके ऊपर आ जाए। जब वो बोलता था ना, वो अपने कहते जब सिकंदर बोलता था, जब वो ऐसे करता था ना पब्लिक का सिर ऐसे होता था, ऐसे उंगली करता था ऐसे होता था, जब ऐसे होता करता था ऐसा करता, तो उसको पूछा गया इकबाल साहब शाह जमाने में हुआ वो, तो उस इकबाल को पूछा गया, वो कहता देखी मेरी हसीयत, तो वो शेर जो शेर वो कभी उठ नहीं बोलता, उसने उसको कहा क्या बताऊं, कहना बता भाई, उसने शेर बोला क्या कहता है, ना नाज कर, ना नाज कर अपनी बुलंदियों पे, कहना बाहों की झूठी बाहों के ऊपर मान मत कर, ना नाज कर अपनी बुलंदियों पे, हमने आसमान से तारों को भी गिरते देखा, भले ही सोने हम तो उन इंसानों में भी शेर है, कहना दर्द वंद नू दर्द दी दर्द हुंदी, दर्द वंद नू दर्द दी दर्द हुंदी, बे दर्द नू दर्द दी दर्द की है, दर्द कर्द दी बकरा जानदा, कट्टन वाले दी जान दी कर्द की। हम तो साहब उन इंसानों में है, आपके कहता कोई खुशी ऐसी होती है, कोई खुशी ऐसी होती है कि गीत भी गाए नहीं जाते। किसी के घर में 5-6 लड़कियों के बाद लड़का हो जाए तो वो फूला नहीं समाता, किसी गरीब का लड़का को बड़ा अफसर बन जाए वो फूला नहीं समाता। कहता कोई खुशी ऐसी होती है, ये आपके उड़ीसा के ऊपर ये शेर लागू होता है, कहता कोई खुशी ऐसी होती है कि गीत भी गाए नहीं जाते, कुछ कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बुलाने से भी बुलाए नहीं जाते। एक अमीर की देह लगता है चंद्र में लांबू, कुछ गरीब ऐसे होते हैं कि कफन भी पाए नहीं जाते। वो तो आपके उड़ीसा के ऊपर जो हमने होते लाखों लगे, जब कोई पता नहीं वक्त का चक्कर है, कब इधर से इधर हो जाए, इधर के इधर हो जाए, इधर हो जाए, हमेशा वक्त से इधर हो। हमारे भाई मर गए हैं या बाढ़ में बह गए, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, ना उनके उनकी भावनाओं को जो टूट चुकी हैं उनको हम जिंदा कर सकते हैं, मगर जो हमारे भाई जिंदा है हम तो इस उद्देश्य को लेकर आएंगे, उनके मुंह में अगर एक रोटी का टुकड़ा डाल के उनकी जिंदगी जान बचाई जा सकती है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उनसे बचा है, उन तक का लाभ बचाए। अब जगतसिंहपुर जिला को क्यों नंबर के लिए चुने? ये इटी द सेंटर प्लेस है हमारे को, इसलिए हमने चुना कि यहाँ की एक तो सड़कें ठीक थी, बाकी रास्ते सारे टूटे हुए हैं, अस्तव्यस्त है। यहाँ पर लंगर तैयार करके या कच्चा लंगर था, वो हमने लोगों के घरों तक जाके हमारी टीम ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे जो साथी जिनको हमने भेजा था, दिन रात एक करके लोगों के घर तक कच्चा राशन भी यहीं से पहुंचाया और पक्का राशन भी जहां पर से गाड़ियों में लाद लाद के लोगों के घर तक पहुंचाया। इसलिए हमने जगसिंहपुर वाला को सेंटर प्लेस माना कि यहां की सड़कें ठीक है, पीछे से भी सामान आता है। अब तक कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं? ये तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मगर हमारे अपने ख्याल में जो गाड़ियों में राशन भेजा गया या जहां से भेजा गया 3 लाख से ऊपर के लिए रोज रोज वो लंगर बांटा गया। साथ में आपके आदमी लाए थे और क्या क्या सामान लाए? हमारे साथ जो आदमी था वो 700 आदमी था,
जिसमें कुछ वास्ते आ गया और अपना ही हमारा अरेंजमेंट था।